हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले हम सॉल्यूशन देख चुके हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी देख चुके हैं। अब हमें ये पता करना है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो उसके लिए एक टर्म समझा जाता है, वो टर्म है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितना सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। देखिए, एक जनरल वे होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो हम बोल देते हैं कि वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, और अगर सॉल्यूट कम है तो हम बोल देते हैं डाइल्यूट है। बट इट इज नॉट दी एग्जैक्ट वे। अगर हम एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं कि कितने ग्राम से कितने ml हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हमें कुछ मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे टोटल हमारे पास 7 मेथड्स हैंगे, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। तो हमारे पास 7 मेथड्स हैं जहां से हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट हैगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अपन को समझ में आ चुका है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपके पास प्रेजेंट हैगा। अब अपन देखते हैं कि 7 मेथड्स वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है आपके पास मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है, इसको शॉर्ट में वेट बाय वेट भी बोलते हैं। पहला मेथड मास परसेंटेज, इसको वेट बाय वेट भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको शॉर्ट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। तीसरा हमारे पास मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसको शॉर्ट में मास बाय वॉल्यूम एम बाय वी लिखते हैं। फोर्थ वन इज हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम वहां यूज करेंगे जब हमारे पास सोल्यूट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होगा, एकदम नेग्लिजिबल होगा, है ना। तो वहां पे हम यूज करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है ppm। नेक्स्ट इज हमारे पास होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी, जिसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज हमारे पास मोलैरिटी, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट इज हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम जीटा से डिनोट करेंगे। इट इज नॉट एक्स, इट इज जीटा, इसको आप जीटा पढ़ेंगे, जेड ई टी ए, जीटा पढ़ेंगे। हमारे पास ये टोटल 7 टर्म्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, इसमें से जो टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कुछ टर्म्स हैं जो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यूज में चेंज आएगा, और कुछ वैल्यू ऐसी हैं, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आप टेम्परेचर को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, अगर आप उसको देख लें जरा, तो जो हमारे पास मास परसेंटेज है पहली चीज ये, दूसरा हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन है, तीसरा हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, और ये है हमारे पास मोलैरिटी। ये जो क्वांटिटीज है हमारे पास 4, जिसमें मैंने एरो लगाया है, ये हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से इनकी क्वांटिटीज में, इनके आंसर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे कोई वॉल्यूम वाले टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। जब अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम वाले टर्म इन्वॉल्व नहीं है, सब जगह मास वाले टर्म इन्वॉल्व है। तो मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मास को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी क्वांटिटीज आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ, एक तो वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी, ये जो क्वांटिटीज है जिनपे मैंने टिक लगाया है, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर के अगर चेंज होने से इनके आंसर्स में वेरिएशन आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व है।
यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम दिख रहा है, मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में वॉल्यूम दिख रहा है, मोलैरिटी में भी आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पे भी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है, तो इन तीनों जगह वॉल्यूम आ रहा है। जहां पे भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, हमको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो चीज एक्सपैंड होती है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी ये जो है ये आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आपने देख ली है, और वो क्यों है? क्योंकि ये मास डिपेंडेंट है, तो कुछ क्वांटिटीज मास डिपेंडेंट है, कुछ क्वांटिटीज वॉल्यूम डिपेंडेंट है, जो मास डिपेंडेंट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना, जो मतलब जिसमें मास रिलेटेड टर्म्स है ना वो टेम्परेचर की चेंज होने से चेंज नहीं होंगी, लेकिन जिसमें वॉल्यूम वाले टर्म इन्वॉल्व आएगा वहां पे अगर आप टेम्परेचर भी चेंज करोगे तो आपके आंसर्स में वेरिएशन आएंगे। तो ये सात टर्म्स हैं, और अपन ने सिर्फ इसमें अभी ये देखा है कि कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड हो रही है, कौन सी इंडिपेंडेंट हो रही है। अब अगली क्लासेस में अपन एक करते हैं, स्टडी करेंगे। थैंक यू।